दबंग 3 के बाद आखिर इतनी जल्दी फिल्म के मेकर्स दबंग 4 के लिए कैसे रेडी हो गए और क्या फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा यानी कि हमारी रज्जो नहीं नजर आने वाली, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉडीग्रैड स्टूडियोज, मैं जैरी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म दबंग 4 के बारे में। अब दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा कि दबंग 3 को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो अचानक से फिल्म के मेकर्स ने दबंग 4 की खबर कैसे फैला दी, एकदम से उन्होंने कैसे कह दिया कि दबंग 4 जल्दी आ जाएगी। तो इसका तो एक साफ और सरल सा उत्तर है और वो ये है कि दबंग 4 के लिए उनको मिल गया आइडिया। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्हें वो आइडिया कहां से मिला और इतनी जल्दी कैसे मिला, तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अब चलिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करती, आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि उनको ये आइडिया आखिर आया कैसे। तो जब फिल्म मेकर दबंग 3 के लिए शूट कर रहे थे तो फिल्म के एक सीन के दौरान सडनली अरबाज खान और सलमान खान को कुछ क्लिक हुआ और उन्हें समझ आ गया कि ये जो उन्हें क्लिक हुआ है ये कुछ और नहीं बल्कि दबंग 4 की फिल्म का आइडिया है, और यहाँ से कर लिया उन्होंने अपने आइडिया को फाइनलाइज। तो लीजिए दोस्तों, दबंग 4 का आइडिया तो यहाँ से आ गया। इसके बाद हाल ही में एक इंटरव्यू में सलमान खान ने सभी को बताया कि फिल्म दबंग 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, अब फिल्म को बस शूट करना शुरू करना है, और ये आइडिया उन दोनों के दिमाग में काफी पहले से था और वो भी दबंग 3 के टाइम से था, यानी कि लीजिए बात पर ठप्पा भी लगा दिया सलमान खान ने। इसके अलावा फिल्म की कास्ट को लेकर कुछ अपडेट सामने आई है। तो फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो फिल्म में लीड रोल में सलमान खान ऑब्वियसली नजर तो जरूर आएंगे। सलमान खान के बिना भाई क्या दबंग, चुलबुल पांडे के बिना क्या दबंग। लेकिन फिल्म की कास्ट की जो लिस्ट सामने आई है उसमें दो नाम है मिसिंग। पहला नाम जो मिसिंग है वो है सोनाक्षी सिन्हा का नाम। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री ना दिखाई जाए, हो सकता है कि ये दिखाया जाए कि सोनाक्षी सिन्हा कहीं गई हुई है, यानी कि रज्जो कहीं घूमने निकली हुई है। इसके अलावा एक चीज और पॉसिबल है और वो ये है कि फिल्म में उनकी आवाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा को यानी कि रज्जो को फिल्म में सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए जिंदा रखा जाए। इसके अलावा बात करी जाए कि वो दूसरे एक्टर कौन है जिनका नाम फिल्म की लिस्ट में नहीं है, तो वो है अरबाज खान। लेकिन दोस्तों, अभी तक इन दोनों एक्टर्स ने इस खबर को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, तो हो सकता है फैंस का प्यार, फैंस की चाहत इन दोनों को फिल्म में वापस खींच लाए, हम लोगों को इनके बिना इस फिल्म को ना देखना पड़े। तो दोस्तों, आप मुझे आप बताइए, क्या मक्खी और रज्जो के बिना आप इस फिल्म को देख पाएंगे या फिर आपके लिए फिल्म में सिर्फ सलमान खान का होना ही काफी है? तो दोस्तों, कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा, और जाने से पहले कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।